an IPO from the Tata Group. Talk about Tata Technologies now. Tata Technologies ke IPO ka Tata Technologies IPO so Tata Technologies is and the most awaited IPO of the year. Tata Technologies will also be open for subscription for the investors next week. अगस्त 1994, जब पूरी दुनिया आयरन और स्टील के पीछे भाग रही थी, तब मुंबई में बैठे टाटा के विजनरी लीडर्स को यह बात समझ आ गई कि आने वाला कल टेक्नोलॉजी का है, वो टेक्नोलॉजी जो इन लोहे के बने बस और कार्स को चलाने वाली है। इस विजन के साथ उन्होंने स्टार्ट की एक कंपनी जिसका नाम रखा टाटा टेक्नोलॉजीज, और तब से लेकर अब तक यह कंपनी ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, एडुकेशन और हैवी मशीनरीज में अपने झंडे गाड़ चुकी है। और 22 नवंबर 2023 को आने वाला है इस कंपनी का आईपीओ। जिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को देखकर आप टाटा मोटर्स की तारीफ करते हैं, वो असल में टाटा टेक्नोलॉजीज ने बनाया। उन गाड़ियों का डिजाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग और फाइनल प्रोडक्ट टाटा टेक्नोलॉजीज बनाती है। टाटा मोटर्स तो बस उन्हें बड़े तादाद में मैन्युफैक्चर करती है, और इसी को हम कहते हैं ERD, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और ये टाटा टेक्नोलॉजीज की असल बिजनेस है। टाटा टेक्नोलॉजीज ERD के मामले में दुनिया की लीडिंग कंपनीज में से एक है। टाटा मोटर्स जो इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके पास इस कंपनी का 72.5% होल्डिंग है। इस कंपनी का 75% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, जहां ये कंपनी मेनली टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। देखिए, इंजीनियरिंग में टर्न की का मतलब होता है बना बनाया या रेडीमेड, यानी ये कंपनी आपको व्हीकल के कॉन्सेप्ट से लेकर व्हीकल लॉन्च तक पूरी प्लेटफॉर्म बनी बनाई दे देगी। आपको बस उस प्लेटफॉर्म में मास मैन्युफैक्चर करना है। ERD किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, लेकिन हर एक कंपनी इन हाउस ERD रखना नहीं चाहती, क्योंकि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है, जैसे रिसर्च सेंटर बनाना, स्टाफ्स रखना, मशीनरीज खरीदना और भी कई सारे खर्चे। इसलिए वैसे इंस्टीट्यूशन जो R&D का काम पहले से करते हैं, कंपनी अपना काम उन्हें आउटसोर्स कर देती है। और टाटा टेक्नोलॉजीज भी ऐसी ही एक कंपनी है। इस कंपनी को अपने ERD सर्विसेज से 84.9% का रेवेन्यू आता है, और अपने टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बेचने से 15.1% का रेवेन्यू आता है। इसके अलावा ये कंपनी एरोस्पेस में भी है, जहां ये प्लेन्स और कैबिन्स के इंटीरियर डिजाइन करने का काम करती है, और हैवी इंजीनियरिंग में ये कंपनी मशीन्स के कॉन्सेप्ट डिजाइन और फैक्ट्री ऑटोमेशन पे काम करती है। कई लोगों का ये सवाल है कि इस तरीके के काम तो टाटा एलेक्सी भी करती है, तो टाटा एलेक्सी, TCS और टाटा टेक्नोलॉजीज में क्या फर्क है? देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी दोनों का एक मेजर रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आता है, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में बहुत फर्क है। टाटा एलेक्सी कार के सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन पे काम करती है, जैसे ADAS, लेन असिस्ट, ड्राइवर्स अलार्म। वहीं टाटा टेक्नोलॉजीज कार के बॉडी इंजीनियरिंग में काम करती है, जैसे कॉन्सेप्ट डिजाइन करना, पेट्रोल और डीजल इंजन को EV में कन्वर्ट करना और इस तरीके की चीजें। और अगर TCS की बात करें तो ये एक प्योर प्ले IT कंपनी है, जो बैंक्स और दूसरे कंपनीज के लिए उनके सॉफ्टवेयर डिजाइन करती है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी IPO ला क्यों रही है, और कंपनी इस पैसे का करेगी क्या? इसके IPO लाने के तीन बड़े रीजंस हैं। पहला, टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन का कहना है कि वो साल 2024 तक टाटा मोटर्स को डेट फ्री करने वाले हैं। अब कर्ज चुकाने के लिए तो पैसे की जरूरत है, तो टाटा मोटर्स जो कि टाटा टेक्नोलॉजीज के पेरेंट कंपनी है, वो इस IPO में अपने कुछ शेयर्स बेचेगी, जिसका यूज टाटा मोटर्स के कर्ज चुकाने में होगा। दूसरा, चाइना में लॉकडाउन हटने के बाद जो उनके सेमीकंडक्टर्स के सप्लाई का इशू था, वो भी सॉल्व होने लगा है, तो टाटा मोटर्स इस पैसे का यूज सेमीकंडक्टर्स खरीदने में और अपने जैगवार लैंड रोवर सेगमेंट का मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बढ़ाने में करने वाले हैं। तीसरा, और ये रीजन हर एक कंपनी के लिए वैलिड है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद कंपनी के ब्रांड इमेज बढ़ जाती है, और उस कंपनी के ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स उसे पहचानना शुरू कर देते हैं। अगर इंडस्ट्री एनालिसिस की बात करें तो साल 2020 में पूरी दुनिया ने ERD में $1500 बिलियन खर्च किए, जो साल 2021 में बढ़कर $1635 बिलियन हो गए थे, और प्रोजेक्शन है कि साल 2025 तक इस सेक्टर में स्पेंडिंग $2325 बिलियन तक बढ़ जाएगी। नॉर्थ अमेरिका इस सेक्टर में सबसे ज्यादा खर्च करने वाली कंट्री है। ERD के मामले में इंडिया दुनिया की फेवरेट डेस्टिनेशन बन गई है, और दुनिया की 25% ERD इंडिया को आउटसोर्स की जाती है। साल 2025 तक इंडिया का ग्लोबल ERD मार्केट $63 बिलियन तक बढ़ने वाला है। इस सेक्टर के अंदर इंडिया में चार बड़े प्लेयर्स हैं, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, KPIT टेक्नोलॉजीज, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी।
रेवेन्यू के मामले में L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया की मार्केट लीडर है और दूसरे नंबर पे आती है टाटा टेक्नोलॉजीज। EPS के मामले में ये शेयर L&T टेक्नोलॉजीज और टाटा एलेक्सी के बाद तीसरे नंबर पे आती है। साल 2020 में इसका रेवेन्यू 2896 करोड़ था, जो साल 2021 में घटकर 2425 करोड़ हो गया और मार्च 2023 के 9 महीने में इसका रेवेन्यू 3052 करोड़ है। और अगर आप इसके प्रॉफिट को देखेंगे तो ये 312 करोड़ से बढ़कर मार्च 2023 के 9 महीने में ही 417 करोड़ हो गया है और ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रेंथ पे। इस कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है इसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट लिस्ट, जिसमें टाटा मोटर्स, जैगवार लैंड रोवर, मैकलेरन, होंडा और फोर्ड जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। इनके पास सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनीज जो ER&D में सबसे ज्यादा खर्च करती हैं, उनमें से 11 कंपनीज इनके खुद के क्लाइंट्स हैं। इनकी अगली स्ट्रेंथ है ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी डीप एक्सपर्टीज। इनकी पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स इनकी सबसे बड़ी क्लाइंट है और इसी वजह से इनके पास ऑटोमोटिव सेक्टर का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और ये एडवांटेज इनके किसी भी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। कई रिपोर्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनके स्ट्रेंथ के तौर पर दिखाया गया है, लेकिन ये इनका सबसे बड़ा रिस्क बन सकता है। रिसेंटली पेट्रोल के यूज को कम करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल जैसे अल्टरनेटिव फ्यूल्स को यूज करने की बात चल रही है और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो EV सेक्टर को इससे सबसे बड़ा झटका लग सकता है। और अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन और इथेनॉल के बेहतरीन स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आई बटन पे आ रहे इस वीडियो को क्लिक कीजिए। इस कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा रिस्क है इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन। इसका 50% से ज्यादा रेवेन्यू इसके टॉप 5 क्लाइंट से आता है। इनके टॉप 5 क्लाइंट में से किसी ने भी इन्हें ऑर्डर देना बंद कर दिया तो इनके रेवेन्यू पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। टॉप 5 में से 2 क्लाइंट्स तो इनकी खुद की कंपनी है, टाटा मोटर्स और जैगवार लैंड रोवर, और इस कंपनी की ग्रोथ काफी हद तक इनके ग्रोथ पे डिपेंड करती है। और तीसरा, इनका 75% रेवेन्यू ऑटोमोटिव सेक्टर से आना इनकी कोई तारीफ नहीं है, बल्कि यही इनका बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी भी वजह से ऑटो सेक्टर में स्लो डाउन आता है तो इस कंपनी की ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी। अब आते हैं इस कंपनी के IPO डिटेल्स पे। देखिए 22 नवंबर 2023 को इस कंपनी का IPO आने वाला है। IPO का इश्यू साइज 3042 करोड़ होगा और इसके पर शेयर का प्राइस बैंड है 475 रुपीज से लेकर 500 रुपए तक। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको फ्यूचर में IPO और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।